हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वाईफाई रिसीवर, जो एक पुराने बोर्ड से निकाला हुआ है, जो ये चाइनीज़ कैमरे में था। तो ऐसे बहुत सारे कैमरे होंगे और ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ टैब होंगे जिसके अंदर ऐसी चिप मिलेगी। अगर ऐसा कोई पुराना डेड है, तो अगर आप रिसाइकल करना चाह रहे हो, तो इससे ये चिप एक्सट्रैक्ट करो और आप पोर्टेबल वाईफाई रिसीवर बना सकते हो उससे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक डाटा केबल, या आप एक USB अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हो, और आपको एक चाहिए जेनर डायोड। सारा जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको चिप को निकाल लेंगे। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप उससे भी उसको निकाल सकते हैं। मेरे पास हीट गन है तो मैं भी इससे निकाल रहा हूँ। तो इसको ये जब तक निकलेगा, नीचे आपको जो है एक लाइक का बटन दबा देना है। इससे होगा क्या कि आप सपोर्ट करोगे हमारे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना सकें। तो चलिए, अभी ये निकलने वाला है। तो आपको करना क्या होगा कि इसमें होगी आपको अलग अलग कनेक्टर्स, तो इसके थ्रू आपको लेना है कनेक्शन उसके अंदर। तो ये देखिए, ये निकल गई हमारी चिप। तो ये हो गया बोर्ड बेकार। अभी जो काम होगा हमारी इस चिप पर होगा। तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा, तो मेरे अभी जो है लेफ़्ट साइड पे मेरे जो है चार कनेक्शंस है, और राइट साइड पे तो दो वाले हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो है डाटा केबल लगेगा, और राइट साइड में जो है सिग्नल के लिए आपको एंटीना लगा सकते हैं। तो अभी इसमें आपको ग्राउंड ढूंढना होगा। तो ग्राउंड का होता क्या है, आपको यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स हो गए, जो हमेशा एक तरफ जो होगा ग्राउंड पर होगा। तो आपको जो है कैपेसिटर के एक तरफ लगा के और सारे पिंस पे चेक करना है। तो मेरे ख्याल से यही होगा ग्राउंड। तो ये लीजिए, ये ग्राउंड है। फिर भी एक थोड़ा कंफर्म कर लेंगे। तो तीनों पे भी बीप नहीं आ रही है, पर उस पे बीप आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड जो होगा दो तरफ होगा, एक एंटीना की तरफ, एक पावर सप्लाई की तरफ। तो जब ग्राउंड एक तरफ होगा तो उसके एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में होगा पावर का, और बीच के दो जो होंगे वो होंगे डाटा केबल्स। तो ठीक है, तो पॉजिटिव पे जो होगा अभी हम लगाएंगे जेनर डायोड। तो इसके लिए जेनर डायोड को लेंगे हम, और उसमें होंगे दो तरफ, जिसमें एक तरफ होगा जेनर डायोड के ब्लैक साइड, और बाकी की तरफ एक ग्लास टाइप का होगा। तो जो ब्लैक तरफ का हिस्सा है उसका, वो लगेगा बोर्ड की तरफ। इस तरीके से लगेगा ये। तो हम उसको जो है वायर छोटा कर लेंगे, ताकि आसानी हो जाए। ये लीजिए, हमारा ये वायर है, इसको जो हम स्ट्रिप कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसको इसके पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे, जिससे वोल्टेज जो है आपका एकदम से वापस ना आए। तो इसको छोटा करने के बाद थोड़ा सा टिन कर लो आप, ताकि जो है सोल्डरिंग करने में आपको आसानी होगी, और आपका जो है कनेक्शन एकदम से अच्छा रहेगा। अगर आपको इस सारी चीज़ों की लिस्ट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके, अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। हम सारे जो है अभी इसको टिन कर लेंगे। मेरे ख्याल से पीछे से करना इसको बेहतर होगा, क्योंकि पीछे पैड जो है सोल्डरिंग के लिए अच्छे हैं, आगे की तरफ बहुत छोटे हैं। तो हम इसको पलटा लेंगे और यहाँ पर करेंगे इसको सोल्डर। तो पॉजिटिव साइड पर आएगा जेनर डायोड, तो यहाँ पे लगा देंगे जेनर डायोड, और उसके एकदम से लास्ट वाली पिन पे आएगा नेगेटिव, और बीच के जो दो होंगे उस पे लगाएंगे हम डाटा केबल्स, जो हमारा सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। पहले आएगा ब्लैक, उसके बाद आएगा वाइट, उसके बाद आएगा ग्रीन, और उसके बाद पावर का रेड। तो अगर आपको कनेक्शन, अगर आपके वायर के कलर्स अलग हो, तो आपका जब USB के अंदर चेक करिए प्रोब रख के, और दूसरी तरफ नेगेटिव वाला चेक कर लीजिए। जैसा आपको नेगेटिव मिल जाएगा, उसके बाजू वाली पिन एकदम से उसके बाजू ही लगेगी। जिस तरीके से अंदर USB के अंदर होगा, उसी तरीके से आपको इसके अंदर भी लगाना है। तो ये लीजिए, तीन वायर हो गए। थोड़ा सा हम रेड वायर को छोटा कर लेंगे, और जो डायोड का एक्स्ट्रा वायर है उसको स्ट्रिप करके इसके बाद हम अच्छे से सोल्डर करेंगे। तो अभी तो ये थोड़ा सा बड़ा है वायर, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं अभी आता हूँ।
तो ये लीजिए, मैंने वायर छोटा कर दिया और उसको डायोड के वायर पे लपेट दिया। तो इसको जो है हम थोड़ा सा टिन कर देंगे ताकि जो सोल्डर है अच्छे से पकड़ ले और आपका कनेक्शन मजबूत हो जाए। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर टेप वगैरह लपेट के कनेक्शन को जो है सिक्योर कर सकते हो, और जो उस कैमरे में एंटीना था उस एंटीना को भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दो कनेक्शन है उस पे लगाए। तो ये हमारा हो चुका है, हम आ गए हैं पीसी में। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे आना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद, ये मेरा लैपटॉप है तो मेरे अंदर वाईफाई ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं आपको यूज़ करने के बता नहीं सकता। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपको बता रहा है यूएसबी नॉट रिकमेंडेड। तो इसके जो ड्राइवर्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद फिर आप जब इंस्टॉल करने के बाद जब लगाओगे तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो है वाईफाई रिसीवर बता रहा है। तो ये हमारा था बहुत छोटा सा एक ट्यूटोरियल टाइप, जहाँ पे हम बताएं आपको कि वाईफाई रिसीवर कोई भी रिसाइकल प्रोडक्ट से कैसा बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब बटन अगर नहीं दबाए हो तो दबा दो, और लाइक और कमेंट तो बिल्कुल छोड़ना आप लोग। थैंक यू, मिलेंगे।